नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत सोनी आज आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग केस के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसी बच्ची से मिलेंगे जो अस्थमा से पीड़ित थी। बच्ची का नाम है अनाया और उनके माँ बाप से भी मिलेंगे और वो हमें बताएंगे कि होम्योपैथी ने किस तरह से उस बच्ची को एक नया जीवन दिया है और आज वो अस्थमा से पूरी तरह से ठीक है। आइए मिलते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मेरी बेटी जिसका नाम अनाया चौहान है, इसको जो है पिछले 2-2.5 साल से अस्थमा की दिक्कत थी और इसको जो है खांसी के अटैक से आते थे। फिर हमें जो है हमने बहुत एलोपैथिक का भी ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमें जो है नेट से, गूगल और यूट्यूब से देख करके जो है अभिषेक सोनी सर का पता चला। तो फिर हम जो है डॉक्टर साहब के पास आए, इनसे मिले जो है। फिर डॉक्टर साहब बोले कि इसका हीमोडायनेमिक जो है एक ट्रीटमेंट होता है वो करवाना है, वो करवाओगे आप तो जो है जल्दी से जल्दी इसको रिलीफ मिलेगा। तो फिर हमने जो है हीमोडायनेमिक ट्रीटमेंट भी करवाया और उसकी एक डोज से जो है ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी इसको खांसी नहीं आती, अभी ठीक है। ट्रीटमेंट से तो उसका साइड इफेक्ट भी काफी दिख रहे थे, तो हमें अभी संतुष्ट है सर के मेडिसिन से। काफी चीजें जो खा पी नहीं सकती थी ये है, तो ये अभी कुछ खाती पीती है तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता कुछ। इसको ऐसे कुछ खाए, कुछ चीजों से उसको एलर्जी थी तो नॉर्मल बच्चों की तरह उसका सब खाना पीना सब बंद था, तो अब काफी हम उससे संतुष्ट हैं दवाइयों से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी बेटी को ठीक किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अनाया आज पूरी तरह से ठीक है, लगभग 2 महीने के इलाज में ये पूरी तरह से ठीक है। जब अनाया मेरे पास आई थी और मैंने इसका चेस्ट ऑस्कल्टेट किया था और इसको स्टेथोस्कोप से सुना था, तो उस टाइम पे ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी। इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी, कफिंग थी और व्हीजिंग व्हिसलिंग जो साउंड होते हैं, यानी इसको पूरी तरह से अस्थमेटिक अटैक उस टाइम पे आ रहे थे। इसको कई बार इन्हीं कंडीशन के कारण इनको कई बार एडमिट होना पड़ता था। वो कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि मूंगफली हो गई और काजू हो गए, अजवाइन हो गई, धूल हो गई, ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसके कारण से ये सारी चीजें, ये तकलीफें इसकी बढ़ जाती थी और जिसके कारण इसको बार बार एडमिट भी होना पड़ता था। लगातार फीवरेज फीलिंग होती थी। पर दोस्तों जैसे ही हमने अनाया के लिए एक हीमोडायनेमिक मेडिसिन प्रिपेयर की, हीमोडायनेमिक मेडिसिन मतलब एक ब्लड का सैंपल लेके एक दवाई बनाई और उसका सिर्फ एक डोज दिया, साथ ही कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयां जो हमने लक्षणों के आधार पर उसको चालू की और मात्र कुछ ही दिनों में इसको कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलने लगे। धीरे धीरे इसके जो दवाइयां थी वो कम होने लगी, इसको जो सांस लेने की तकलीफ थी वो कम होने लगी और आज मात्र हीमोडायनेमिक मेडिसिन से, एक डोज से और कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयों से अनाया पूरी तरह से ठीक है। दोस्तों हीमोडायनेमिक जो मेडिसिन होती है ये मेडिसिन डीप एक्टिंग होती है और बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होती है। कई बार ये दवाइयां 10 दिन में 15 दिन में, कई बार हम 1 महीने में भी रिपीट करते हैं, वो भी जरूरत पड़ने के अनुसार। पर अस्थमा जैसी क्रॉनिक कंडीशंस के लिए, चाहे ITP हो, चाहे दूसरे कैंसर्स हो या कुछ दूसरी बड़ी बीमारियां हो, उनमें भी हम ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ब्लड से बनी दवाइयां हो, चाहे पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनी दवाइयां हो, ये दवाइयां ड्रामेटिक रिजल्ट देती हैं और कई बार पेशेंट को पूरी तरह से ठीक भी कर देती है। तो दोस्तों यदि आपको, आपके परिजनों को या किसी जानने वालों को अस्थमा की बीमारी है या कोई ऐसी ऑटोइम्यून डिसीज है या कोई ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह ठीक नहीं हो रही है, तो घबराए नहीं, हमसे संपर्क करें। मैं उम्मीद करता हूं उनको बहुत जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स के नोटिफिकेशन और होम्योपैथी की जो अमेजिंग पावर्स के बारे में बात करते हैं उनके बारे में जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।